हाय गाइस, आई एम खुशी और ये हमारी खुशी वाइटनिंग क्रीम। काफी लोग बोल रहे हैं प्राइस कम करो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता बिकॉज हमारे प्रोडक्ट ही इतने ज्यादा एक्सपेंसिव। हम औरों की तरह बाहर से दूसरे कोई भी ब्रांड का लाकर आपको सिर्फ भर के डबिया नहीं दे रहे। सीरियसली, इसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है और इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। इसके लिए तो हमारी खुशी क्रीम माशाल्लाह छाई है, क्योंकि सबसे बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। हे गाइस, दिस इज खुशी एंड ये है हमारी खुशी वाइटनिंग क्रीम। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एक छोटा सा क्रीम हम खुद के ट्रायल के लिए बनाएंगे और माशाल्लाह हमारे फेस पे इतना अच्छा ग्लो और इफेक्ट आया था कि लोगों ने हमें नोटिस करना शुरू किया और रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप लोग क्रीम बनाइए ताकि हम भी यूज़ कर सकें। और शुरुआत तो हमने यहाँ से की थी, लेकिन माशाल्लाह आज आप देख सकते हो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हम ये मकाम पे हैं। और हर लड़की का ख्वाब होता है अच्छा दिखना, तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए। अभी जब इंस्टा ओपन करो तो सिर्फ ये एक ही रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम, इतने अच्छे रिव्यूज़ हैं आपके क्लाइंट के और हमने तो ये सारी चीज़ें क्रीम यूज़ की है, तो क्या हम खुशी क्रीम यूज़ कर सकते हैं? तो यस, आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपके डैमेज है उसको थोड़ा सा रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा और थोड़ा बहुत जलता है। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और जो जख्म पे आपको लगाने के लिए वो मलहम देते हैं तो ऑब्वियसली वो स्टार्टिंग में आपको जलता है। तो डैमेज स्किन वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मगर अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिंदास यूज़ कीजिए। थैंक यू। और हाँ, ये सेकेंड वीडियो हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए है जो खुशी क्रीम यूज़ करते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये पिगमेंटेशन, पिंपल्स, डार्क सर्कल, फेयरनेस के लिए तो ये है ही, उसके अलावा अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम है तो आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको जो डैमेज एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना है और लाइटली आपको अगर बर्न होता है 2-3 दिन स्टार्टिंग में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यूज़ करो, 100% इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच।